हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उतारने लगे हैं, शुरू कर दिया, अभी खाली कर दिया, चलिए शुरू करते हैं। हो गया खाली, तो अभी चलते हैं। तो पहुंच गए हैं घेवरा फाटक पर, खाली करके आ गए। क्या टाइम हो गया? 9 बज लिए। आज बज गए 9। वीडियो अभी तक गई नहीं क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं था, इसीलिए अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी। 50% अपलोड हो चुकी है, 50 और हो जाएगी, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक आ जाएगी। फाटक बंद है। कौन देखिए, टाटा की गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, लंबे वाली गाड़ी है, जिसको घोड़ा बोलते हैं। एयर सस्पेंशन है इसमें, सोकर नहीं है। ये देखिए बिल्कुल पता भी नहीं लगता। कैसी है? मस्त वाली है। लगा दी है ईट। अरे वेरी गुड, बढ़िया, पूरे फर्स्ट क्लास वाले इंटे हैं। देखो अब हो गया सोने का टाइम। बरवा लिया, बढ़िया से है, हटाइए मत ना, जब भर जाएगी ना, जब मैंने उठा लिया। चलते हैं। ये सब्सक्राइब कर दिया भाई? कर दिया भाई। अरे थैंक यू यार, वीडियो देख रहे हो भाई अपने? हाँ देख। थैंक यू, चाय लेके आया भाई। ठेकेदारा भर दिया। अर्जुन, ओ अर्जुन कहाँ गया? भर गई है, तो अभी चलते हैं। पहुंच गए हैं कमरे पर, तो अभी नहाएंगे धोएंगे। मैं तो यही लूंगा। तो अचानक बारिश हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे कि मतलब अब 23-24 की वैसी भी और भी बारिश बता रहे हैं, तो ईंट अब तो कम महंगी हुई हैं, तो अगर एक बारिश होगी ना तो भट्ठे तुरंत बंद हो जाएंगे। किसी किसी की तो लेबर भी चली जाएगी, जिसके पास पैसा है, लेबर है,
तो उसके पास रह जाएगी, नहीं तो भट्ठा बंद हो जाएगा, लेबर सब की चली जाएगी लगभग। तो यहाँ पर कम से कम 500 भट्ठे हैं तकरीबन सोनीपत एरिया में, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर कम से कम 500 भट्ठे तो हैं। और मतलब अचानक से बारिश हो जाए तो तब नुकसान होता है। अब जैसे 23-24 की बता रखी है, अब पता है तो फिर तो सभी अपनी ईंटें काबू कर लेंगे। तो इस वजह से अचानक से जो बारिश आती है ना तो तब नुकसान होता है, वैसे नुकसान नहीं होता। तो मतलब किसी न किसी का 30-30 लाख रुपए एक भट्ठे का नुकसान है, 30-30, 40-40 लाख रुपए का। तो अब तो खैर कम बारिश थी, ये ईंटें सभी भट्ठे में चली जाएंगी, तो इसीलिए। और अगर बारिश का पहले पता हो, जैसे अब 23-24 का पहले पता है, तो मतलब पॉलीथीन डाल देते हैं या फिर शेड के नीचे लगा लेते हैं, स्टॉक लगा लेते हैं। तो इसीलिए अगर पहले पता हो तो पहले अपने सामान को काबू कर लेते हैं लोग। तो अब अचानक से बारिश आ जाए तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। दिन छिपने वाला है, शाम हो गई है, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर खाएंगे खाना। कमरे पर आ गए थे, ना भी लिया था, थोड़ा बहुत लेट गया था बस। तो वो भाई बात कर रहा था बच्चन कल भट्ठे पर किसी पर, RBF है वो, RBF सबसे टॉप वाले भट्ठे हैं, 4 भट्ठे हैं उस मालिक के। तो बारिश की वजह से एक भट्ठे का 33 लाख रुपए का नुकसान है। अब देख लो भी 4 भट्ठे हैं, कम से कम 1 करोड़ 1.5 रुपये 1.5 करोड़ रुपये का नुकसान है। तो बारिश की वजह से एकदम से अचानक से बारिश आई थी, मतलब ना मौसम विभाग ने जानकारी दी और ना ही फ़ोन पे जानकारी थी। तो देख लो 1.5 करोड़ रुपए का कच्ची ईंटों का नुकसान था, कैसे नुकसान हो जाता है, क्योंकि ना अचानक से बारिश थी। अचानक से बारिश में ना तो शेड में डाल रखी होती है स्टॉक और ना ही पॉलीथीन होती है, तो अचानक से बारिश होती है तो अचानक से नुकसान भी हो जाता है। जिस पे से हम लेके आते हैं उसका भी बेचारे का नुकसान बहुत हुआ है। तो ऐसी बूंदमार भी डालनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो सब चलती है, क्योंकि ज़्यादा नुकसान तो फिर नुकसान ही है, जितना भी हो सकेगा कवर हो जाएगा। अगर भट्ठे में डालेंगे पक जाएगी तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कम ज़्यादा 200-300-400 रुपये कम ज़्यादा करके बिक जाएंगी, तो नुकसान कवर हो जाएगा। तो चलिए, कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी बनी है। चलिए, थैंक यू।